कल्प में रावण रिपीट होता है, रावण रिपीट होता है ना कल्प, तो अगर हम चाहते हैं कि ये चीज ना हो अगली बार, अगर हम चाहते हैं कि ये जो गलती हम कर चुके हैं वो अगली बार ना हो तो रिपीट होगी इस जन्म में, सिर्फ इस जन्म में जो भूलें कर चुके हैं, जो हमारी बुद्धि में छप गया है, वो ड्रामा हमने शूट कर लिया, हमने खुद ही शूट किया है, फिल्म बनती है, हम खुद ही अपने डायरेक्टर हैं, हम फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर हैं, अपना ड्रामा हम खुद शूट करते हैं। अगर गंदा शूट किया तो वो थूका हुआ हम चाटेंगे क्या? है नहीं चाटेंगे, जो किया अच्छा किया, क्या समझना चाहिए? जो भी भूल हो गई, पास्ट इज पास्ट, क्यों हो गई इसका पता हमको नहीं है अभी, क्योंकि हम पूरे ज्ञानी नहीं बने हैं, इसलिए क्यों क्या कैसे हुआ ये प्रश्न चित्त बनते हैं। नहीं तो बाबा ने तो बता दिया कि ये ड्रामा कल्याणकारी है, तुम बच्चों का पार्ट कल्याणकारी है। जब ये ड्रामा पूरा शूट हो जाएगा, 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं की पूरी शूटिंग हो जाएगी, तो इस दुनिया का कोई भी पार्टधारी आत्मा ऐसा नहीं बचेगा जो ये समझे कि हमारा पार्ट तो अच्छा नहीं है। क्या कहेंगे सब? हमारा जैसा पार्ट है वैसा और कोई का पार्ट नहीं, हमें लक्ष्मी नारायण नहीं बनना है, बस प्रणाम। बड़ा कहावना अति दुख पावना, ऐसे ऐसे भाव उस आत्मा में भरे हुए होंगे, इसलिए कभी ऐसा संकल्प नहीं लाना है कि जो गलतियां हमसे हो गई हैं वो गलतियां अगले कल्प में ड्रामा में न हो जाए। अरे नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी हम अच्छा ही शूट करेंगे, और जो होगा वो भी अच्छा होगा, हमें सिर्फ बाप की मत पर चलना है। अरे ड्रामा के बंधन में बाप भी बांधा हुआ है, ड्रामा के हूबहू रिपीटेशन में बाप भी बांधा हुआ है, अरे भगवान भी बांधा हुआ है, तो हम बंधन में नहीं बंधेंगे क्या? हम हूबहू रिपीटेशन से बाहर चले जाएंगे क्या? ऐसे तो नहीं हो सकता। और बाबा कन्हैया को मतलब वहाँ जमुना से पार ले जाते हैं, मतलब डलिया में रखे तो जमुना जी निकलने नहीं देती जब तक पैर नहीं धोते, इसका बेहद में क्या? अब सब बातें समझनी पड़ेंगी ना बेहद में, कि जमुना जी पानी की जमुना जी है, दिल्ली वाली मथुरा वाली या चैतन्य कोई जमुना जी है? डलिया बुद्ध रूपी चैतन्य डलिया है, टोकरी है या कोई स्थूल टोकरी है?
पांव, स्थूल पांव की बात है छूने की या बुद्ध रूपी पांव छूने की बात है? कृष्ण सतयुग के कृष्ण की बात है, जो शशि का पहला पत्ता दिखाया गया है, या उनके अंतिम जन्म की बात है जिसकी सुरक्षा बाप को करनी पड़ती है कंसी जरा सिंधियों से? ये सारी बातें समझ में आ जावेंगी तो रूपक भी समझ में आ जावेगा। नदियां जब बाढ़ में आती हैं तो उनमें देह अभिमानी की मिट्टी मिली हुई होती है या नहीं मिली हुई होती है? है? मिली हुई होती है। नदी चाहे जमुना ही क्यों न हो, सूर्य पुत्री मानी जाती है, वो भी देह अभिमानी की मिट्टी से प्लावित तो हो जाती है। जैसी दृष्टि वैसी सारी सृष्टि दिखाई पड़ती है। वो भी समझती है कि जैसे हम देह अभिमानी हैं, वैसे भगवान भी देह अभिमानी के काम करने वाला होगा। तो बुद्ध रूपी पांव छूने का प्रयास करती है, बाढ़ में आ जाती है। नदियों में बाढ़ आती है ना तो बोड़म बोड़ हो जाते हैं, ढेर के ढेर डूब जाते हैं ना। यहां ज्ञान में डूबने का क्या मतलब है? देह अभिमान में कैसे डूबते हैं? कैसे डूबते हैं? विकारों में चले जाते हैं, विकारी बन जाते हैं, शादी वादी करने के इच्छुक हो जाते हैं, शादी कर भी लेते हैं और रोज रोज डूबते रहते हैं। यमुना ने भी भगवान के बुद्ध रूपी पांव छूने की कोशिश की, कहीं इनकी बुद्धि में भी तो वही देह अभिमान नहीं भरा हुआ है, छू के तो देखूं डुबकी मारता है या कि नहीं मारता है, बुद्धि चलायमान होती है या नहीं होती है। अरे यमुना की बुद्धि में बैठना चाहिए कि कंस ने जिन सात बच्चों को डुबो दिया, मार दिया, ज्ञान में जिंदा नहीं रहने दिया, देह अभिमानी बनाई दिया, ये आत्मा कैसे बच गया? जब ये कंस के हाथों से बच सकता है तो मैं क्या पार पाऊंगी? और आगे अष्टदेवों के सिवा बाकी सभी सजा खाते हैं जो धर्मराज है। अष्टदेवों के सिवा बाकी सभी धर्मराज की सजा खाते हैं। सभी आठ के अलावा सभी धर्मराज की सजा खाते हैं। तो है माने पूछना क्या है? अरे बाबा ने बोला है तो पत्थर की लकीर समझना चाहिए या उसमें संशय पैदा करना चाहिए? इसका मतलब बाबा ने नहीं बोला है, कोई देहदारी ने बोल दिया है? हाँ, जैसे यमुना को संशय पैदा होता है ऐसे संशय पैदा हो गया? नहीं। हाँ, और
हाँ। शिव जिस मुखड़ा रथ में प्रवेश करते हैं, बोलो बोलो आगे बोलो, उससे कोई विशेष लगाव नहीं रखते हैं, तो फिर प्रवेश का किस आधार पर? जो टीचर होता है, अच्छा टीचर होता है, एग्जामिनर होता है, वो लगाव के आधार पर नंबर देता है, देता है, हैं? नहीं। अगर सारी यूनिवर्सिटी में कोई अव्वल नंबर आने वाला होगा और एग्जामिनर फर्स्ट क्लास होगा तो लगाव के आधार पर उसको नंबर देगा और अखबारों में प्रसिद्धि पैदा करेगा कि इसका नंबर पहले डाल दो कि यूनिवर्सिटी में पहला नंबर आया है, इसका नाम वाला हो जाए, सारी दुनिया में जहां कहीं भी जाए इसको आउजू आउजू करे, आओ हमारी कंपनी में आ जाओ, हमारी सरकार में शामिल हो जाओ, बड़े अधिकारी बन जाओ, ऐसे समझते हो? अरे अपनी अपनी च्वाइस अलग अलग है, ब्रह्मा बाबा को तो गुलजार के बचपन से ही लगाव था और वो अंत तक लगा रहा, लगाओ अंत मते सो गते, शरीर छूट गया लेकिन लगाव नहीं छूटा, तो गुलजार दादी के तन में प्रवेशता की घोषणा कर दी, अभी भी लगाव लगा हुआ है, वो देहधारी आत्मा की बात है, और यहां किसकी बात है? है सुप्रीम सोल में भी लगाव होता है, अरे देह का लगाव देह से पैदा होता है, उसका जन्म ही देह से नहीं है, तो देहधारी के लगाव की बात कहां से पैदा हो गई? प्रवेश करती है, वो सुधारने के लिए प्रवेश नहीं करती है, उसकी नाक रगड़ने के लिए प्रवेश करती है। क्या कहा? वो हलधर है, उसका हथियार कौन सा है? हैं? हल चलाने वाला, धरणी को चीरने वाला है, वो प्रवेश करके किस लिए? अपना काम करता है, ताकि जैसे हम डूब गए ऐसे ये भी डूब जाए। जो कृष्ण है वो ही कंस बन जाता है। क्या कहा? कोई चाहता है कि हमारे ऊपर ये सवार हो जाए? अरे कोई मनुष्य ये चाहता है कि कोई हमारे ऊपर सवारी करे? चाहता है? नहीं चाहता। कृष्ण की आत्मा भी अज्ञानी है, ज्ञानी है, अज्ञानी है, वो नहीं चाहती कि हमारे ऊपर कोई सवारी करे, हमारे सामने ही विश्व का बादशाह बन जाए, हमारे ऊपर कोई कंट्रोल करे, भले मेरा बैल का पार्ट है लेकिन बैल चाहता है कोई को कि मेरे ऊपर सवारी करे कोई? और ये तो फर्स्ट क्लास अव्वल नंबर का बैल है, ये लड़ाई चालू है क्योंकि पुरुषार्थ अधूरा है। जब पुरुषार्थ संपन्न होगा, अव्वल नंबर पुरुष का, जो अव्वल नंबर आत्मा है उसका पुरुषार्थ जब पूरा होगा, क्योंकि कृष्ण की आत्मा ज्यादा जन्मों में राजा बनी है, कि राम वाली आत्मा ज्यादा जन्मों में राजा बनी है 63 जन्मों में, जो 63 जन्मों में ज्यादा जन्म राजा बने हैं उन्होंने ज्यादा पाप किए होंगे, या जो रुद्रमाला के मणके नहीं है
जन्म जन्मांतर के नंबरवार राजाएं ही नहीं है, रानी का विशेष पार्ट बजाने वाले हैं, पालना की विशेष संस्कार है, उन्होंने ज्यादा पाप किए हैं, राजाओं ने ज्यादा पाप किए हैं, वो भी खास करके भारत के राजाएं बड़े पापी हुए हैं, ढेर की ढेर रानियां रखने के कारण। इसलिए राम वाली आत्मा तो खुद कहती है, तुलसीदास का जन्म लेकर के जैसा कि मुरली में बोला है, अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी महिमा कर दी है, तो राम की आत्मा तुलसीदास का जन्म लेकर बोलती है, मैं पतितन को राजा, क्या बाकी सब पतित हो गए प्रजा और वो पतितों का भी राजा। तो बड़ा पतित हुआ है या थोड़ा पतित हुआ? बड़ा पतित हुआ। तो राम वाली आत्मा को तो कृष्ण वाली आत्मा अभी नाक रगड़वा रही है, इस धरणी में नाक रगड़ो, क्योंकि सांप को पकड़ के बंदर क्या करता है, हैं? कभी देखा किसी ने? नहीं देखा तो सुना तो होगा, नहीं सुना? बंदर जब सांप को पकड़ लेता है तो उसकी नाक को जमीन में रगड़ता है धरणी में, क्या? और हनुमान बंदर का तो नाम सुना होगा, नहीं सुना? अब सुन लो, तो उसने नाक पकड़ी हुई है, वो नाक तब तक रगड़ता रहेगा जब तक याद में निरंतर रह करके राम वाली आत्मा शिव समान बाप समान स्टेज को प्राप्त नहीं कर लेती, तब हाई जंप लगाने के काबिल बनेगा। और जब बैल पर सवारी करते हैं तो बिना हाई जंप के सवारी हो जाएगी है? नहीं, हाई जंप लगेगी और बैल की आत्मा कंट्रोल हो जाएगी। इसलिए शिव की सवारी जानवर पर नहीं होती है। मैं जानवर बुद्धियों में आता हूं क्या? जो कच्छ मच्छ अवतार दिखाई दिया है जानवरों को समझाऊंगा क्या? जानवरों में बुद्धि होती है? मैं जानवरों में नहीं आता हूं, चाहे बैल हो चाहे गाय हो चाहे बकरी हो, बल बकरी मैं करती है, मुख से भी करती है, प्रैक्टिकल में भी त्रिमूर्ति का चित्र बना के बैठ जाती है, मैं शिव शंकर भोलेनाथ, मेरा शंकर का पार्ट है, मैं विनाश करूंगी, बड़े बड़े पोस्टर छपाई देती है, लेकिन वास्तव में शिव का पार्ट तो प्रैक्टिकल साकार रूप में एक ही आत्मा के द्वारा अनुदा हुआ है, जो कभी भी अपन को शिव नहीं कहती। सदैव अपन को पतित ही समझती है। एवर प्योर समझने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो शिवो हम कहने वाले हैं उनमें कौन सी आत्मा नंबर वन जाती है? ब्रह्मा की सोल। बड़े आराम से स्वीकार कर लेते हैं कि प्रैक्टिकल में गीता का साकार भगवान का पार्ट मेरा है, अंधे माने अज्ञान के अंधे, कोड़ी माने जिनके अंग
गलने लगे। भगवान की ग्लानी करेगा, मुख से ग्लानी करता है, वाचा में पहले बात आती है कि पहले कर्मेंद्रियों में आती है? पहले वाचा में बात आएगी, बाद में कर्मेंद्रियों से भी नीचे गिरेगा, तो कर्मेंद्रियां भी गलने लग पड़ती है। अरे उनका नाम ही प्रसिद्ध है, मुंगले, जिन मुगलों के राज्य में भारतवासियों को 500-700 साल रहना पड़ा, उनका मुख ही नहीं गलता है, सारी इंद्रियां गलने लग पड़ती हैं, और निर्धन भी हो जाता है। जैसे सबसे जाति अंतिम जन्म में आकर के कौन सी आत्मा शिवोहम का पाठ बजाती है? है नहीं, यज्ञ के आदि में जब धोबी घाट चला तो किसने अपन को भगवान समझ लिया? ब्रह्मा भवन समझ लिया, राम वाली आत्मा ने समझा। तो हिरण्यकश्यप साबित हो जाता है, क्योंकि उस समय ज्ञान नहीं था। ज्ञान था? नहीं था। ब्रह्मा के मुख से संपूर्ण ज्ञान तो बाद में निकला, जबकि वो आत्मा शरीर छोड़ देती है। तो अगले जन्म में निर्धन बनेगी तो क्या बनेगी? कह हो निर्धन, कह हो कोड़ी। तो अंतिम जन्म में आकर के गरीब से गरीब बनती है। इसलिए कहावत चली आई है संसार में, और आदि अव्यक्त मानो में आया है, आप बच्चों से विचित्र रूप में जब चाहे तब मिलन मना सकते हैं। बच्चे याद में ज्यादा रहेंगे तो बाप को भी चाहना पैदा हो जाएगी, इस बच्चे से मिलूं। अब दूर से आंखों से मिलूं, पूरे शरीर की कर्मेंद्रियों से मिलूं, भाती पहन के मिलूं, वाचा से मिलूं, ये अलग अलग बातें हैं। और है जैसे आत्मनाश है, आत्मनाश होता है तो क्या प्रकटीकरण होता है? अच्छा, और क्या हवा में होता है? अगर त्रेता में हवा में होगा तो कलयुग के अंत में भी हवा में विनाश हो जाएगा। आप तो आराम से मेहलवानी आचारियां बनाते रहो, बैंक में कितना पैसा इकट्ठा कर लिया, अरे किया कि नहीं किया? विनाश तो हवा में होगा। हाँ, अगर 2500 साल पहले विनाश सृष्टि में न हुआ होता तो 2500 साल पहले की हिस्ट्री भी मनुष्यों को मिलती, उसके प्रूफ भी मिलते। लेकिन विनाश हो गया, सब तहस नहस हो गया, कोई भी हिस्ट्री नहीं मिलती।
इससे साबित होता है कि 2500 वर्ष पहले जरूर कोई ऐसी बड़ी से बड़ी आकस्मिक घटना हुई है जो पहले कभी नहीं हुई थी और आज तक भी नहीं हुई है। जब से सृष्टि की शुरुआत हुई और मैं ना पूज्य हूँ ना पुजारी, ना मैं पुजारी हूँ ना मैं एवर प्योर हूँ और ना मैं एवर प्योर। क्या क्या बोलते रहते है? ना मैं एवर प्योर हूँ ना मैं एवर प्योर। अरे ये कौन सी आत्मा बोल रही है? शिव की आत्मा एवर प्योर नहीं है, कभी देह के लगाव में आ जाती है। अरे देह के चिपकंते में आ जाती है कभी क्या? फिर क्यों बोल रहे हो ऐसी बात? आज की मुरली में तुमने ब्रह्मा कुमारियों का छपा हुआ देख दिया होगा। एक मुरली में आ गया तुमने देख लिया, और हजारों मुरलियों में आया है मैं एवर प्योर हूँ, सो तुमने नहीं देखा, तुम्हारी आंखें फूट गई थी। हाँ तो जो एक एवर इम्प्योर है वो वही है जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ, बाकी मैं एवर प्योर हूँ, मैं एवर इम्प्योर नहीं हूँ। जो बोलने वाला है वो ऊपर वाला है या नीचे वाला है? फिर और है साधु प्रधान से साधु प्रधान बनने में 40 से 50 साल लगती है। 40 से 50 साल किसने मुरली में बोला? 40 साल में कौन तमो प्रधान से सतो प्रधान बन गया? अरे कोई बन गया होगा तुम्हें मालूम होगा तब तो बोल रहे हो। 76 से 28 तक कितने साल हुए? 40-50। अरे एक्यूरेट बताओ ना, क्या गणित नहीं जानते हो? दाढ़ी मुँह से निकल आई, इतनी तो गिनती नोटों की सीख ली होगी। कितने साल हुए? 76 से 28 तक। अरे 52 साल हुए। 40 साल कैसे बोल दिए? भ्रष्टाचार करता है बाबा की वाणी में। हाँ 50 साल से 7 साल लगते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। देवता बनते हैं पहले सतो प्रधान, फरिश्ता बनते हैं पहले देवता बनते हैं या पहले फरिश्ता बनते हैं? भूल जाते हैं। और महारथी हाथी सवार या रथ सवार? और जो महावीर होते हैं उन्हें न रथ की दरकार है न हाथी की दरकार है, उनमें खुद ही इतनी पावर है कि रथ का भी काम कर लेते हैं, जिस रथ को चाहें उसी रथ पर सवार हो जाएंगे। ऐसी आत्मिक स्थिति की पावर आ जाती है। और
कोई नया और निकला, कोई लिख रहा है बाबा बिंदु बाप को बड़ा उल्लू अक्षर में क्यों रखा है, दूसरे अक्षर में क्यों नहीं रखा। अरे वो उल्लू है, उसकी बुद्ध रूपी सर धरणी में घुसी रहती है। जैसे उल्लू होता है, बाबा ने कहा उल्लू नीचे की ओर देखता है, धरणी की ओर उसका सर हो जाता है और पांव ऊपर हो जाते हैं, उल्टा लटक जाता है। है तो ये आज के मनुष्यों की बात, जिनकी बुद्धि रूपी धरणी की ओर उनकी बुद्धि चली जाती है, बुद्धि का सारा खिंचाओ, इस खोपड़े का सारा खिंचाओ धरणी रूपी कन्याओं माताओं में चला जाता है। उनको कहा जाता है उल्लू, और जिनकी बुद्धि का खिंचाओ ऊपर की ओर जाता है, परमधाम में जाता है, स्वर्ग में जाता है, सूक्ष्म वतन के मनन चिंतन मंथन में जाता है, उनको कहते हैं अल्लाह के बच्चे। अल्लाह नहीं, अल्लाह के बच्चे। तो बच्चे ज्यादा ऊंचे होंगे या अल्लाह ज्यादा ऊंचा होगा? अल्लाह तो बहुत ऊंचा है। इस वाक्य में किसी ने अल्लाह को ही उल्लू बता दिया। अभी तो गाली मत दो कम से कम। और बाबा 108 आत्माओं की पहचान क्या होगी? उनके पुरुषार्थ में क्या खासियत होगी? कैसा पुरुषार्थ होगा? अरे परीक्षा में पास होंगे, जो राजयोग की परीक्षा है, पढ़ाई की आखिरी पेपर है, फाइनल पेपर, उसमें पास होंगे वही तो 108 की माला के दाने बनेंगे, अर्थात राजा बनेंगे राजयोग सीखकर। तो आखिरी परीक्षा का नाम नहीं मालूम? आखिरी परीक्षा क्या होगी? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। कैसे नष्ट मोह? अपनी देह से भी नष्ट मोह। कल खलास होती हो सो आज खलास हो जाए। खलास न होती हो, कल बर्फ में दबने वाली हो तो आज दब जाए, कोई परवाह नहीं। देह से नष्ट हुआ, देह के जन्म जन्मांतर और इस जन्म के संबंधियों से नष्ट हुआ। देह के पदार्थों से नष्ट हुआ, ऐसा उनका पुरुषार्थ होगा, यही उनकी पहचान होगी। श्वासों श्वास उनकी स्मृति में एक बाप ही बसा होगा। क्या हम ऐसा करें? कितनी जल्दी हम ऐसा करके दिखाएं? जो बाप हमको अपने गले की माला बना ले,
अपने गले से चिपका ले। मैं बाप के गले की माला बन जाऊं, ऐसी हर दम तमन्ना लगी होगी। कठोर से कठोर काम करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। जो बाबा ने बोला है, तुम बच्चे आए हो सर हथेली पर लेकर, लो अभी काट लो, ईश्वरी यज्ञ में स्वाहा कर दो, ऐसा पुरुषार्थ होगा उनका। और बाबा ये अर्जुन जो अपना माता पिता को ले गया था कंधा पर, अर्जुन बाप खूब अच्छी टीवी देखी है, है? टीवी में देखा ना? नहीं 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 नहीं, काय में देखा, काय में देखा, अर्जुन ले गया है। मन में आया ना तो मुझे समझ में नहीं आया, समझ में नहीं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। हाँ बोलो, अर्जुन की बात नहीं, श्रवण कुमार की बात है, तो वो दोनों एक ही। शास्त्रों में अलग अलग नाम देके अलग अलग कहानी बना दी। हाँ तो फिर वे कौन है? वे कौन है जिनका श्रवण सारी दुनिया करती है? क्या जिनका नाम सुनने के लिए, श्रवण माने कान, कान से नाम सुनने के लिए सब लालायित रहते। श्रवण माने कीर्ति, जिनकी कीर्ति सारी दुनिया में फैली हुई है वो श्रवण कुमार। जब अज्ञानी थे, ज्ञान से उन्होंने जन्म लिया माता पिता से, जरूर संगम युग में लिया होगा। संगम युग में अज्ञानी से जब अज्ञानी बने तो पहले पहले ब्रह्मा को पहचाना होगा, और ब्रह्मा की सहयोगिनी शक्ति को भी पहचाना होगा। वो ब्रह्मा सरस्वती उनके माता पिता हो गए। वो अंधे थे या सोजरे थे? है? अंधे थे, अज्ञानी थे, बल भगवान बाप शिव ने उनमें प्रवेश किया, फिर भी उनको बाप का ज्ञान नहीं था। तो अज्ञानी माने अंधे, उनको कंधे पर धारण कर लिया। कंधे पर धारण करना, कंधे पर चढ़ाना माने पूरी जिम्मेवारी लेना। जैसे भक्ति मार्ग में तीर्थ यात्राओं पर ले जाते हैं पितरों को, कहते उनका उद्धार करेंगे, तो कंधे पर धारण कर लिया उनका उद्धार करने के लिए माता पिता को, बुद्धि रूपी टोकरी में बैठा लिया, और भारत में सारे भारत में चक्कर काटे, सभी तीर्थों में चक्कर काटे। और तीर माने किनारा, ठिकाना, उनकी बुद्धि को भी असली असली ठिकाने लगाए दिए, उनकी आत्मा का भी कल्याण हो गया, उनका गायन हुआ श्रवण कुमार के रूप में। बताओ कौन है? बाप न है? हाँ बाप है आपने। और त्रेसन जन्मों की ये कर्मों की सजा अभी संगम पर भोगते हैं,
या संगम पर किए हुए कर्मों की सजा संगम पर मिलती है। कौन सी सजा की बात है? एक तो धर्मराज की सजा होती है, धर्मराज जो सजा देता है वो 63 जन्मों में नहीं देता, 63 जन्मों में धर्मराज की बात ही नहीं है। धर्म का राजा तो इसी संगम युग में प्रत्यक्ष होता है, जो सजा देने के निमित्त बनता है। तो 63 जन्म की सजा देता होगा, 63 जन्मों की सजा देने के निमित्त बनता होगा, या खास इसी जन्म की सजा देने के निमित्त बनता होगा? 63 जन्म, इसी जन्म की कैसे 63 जन्म? ऐसे ही गए है? अरे 63 जन्म में 100 गुने पाप नहीं बनते हैं, कहां बनते हैं? इस संगम युग में ही 100 गुने पाप बनते हैं। इसलिए वहां धर्मराज की दरकार ही नहीं है, क्योंकि पहली बार जो करता है, पहला पाप कर्म जो करता है वो तो एक गुना हुआ, वो तो माफ किया जाता है। पहली बार कोई पाप करे तो मोस्टली माफ कर दिया जाता कि नहीं? क्षमा योग्य है या नहीं है? वो माफ हो सकता है। लेकिन जब बाप आ जाते हैं, निश्चय बुद्धि बन जाते हैं, अंजाम करते हैं कि भगवान बाप आया हुआ है, अब हम कोई पाप कर्म नहीं करेंगे, बाप की श्रीमत के बर खिलाफ कोई पाप कर्म नहीं करेंगे, फिर भी अवज्ञा करते हैं, तो 100 गुना पाप का बोझ चढ़ता जाता है। और एक बार नहीं, क्या बार बार करते हैं। तो इतनी भारी सजाएं इकट्ठी हो जाती हैं, जो 63 जन्म पापों का पहाड़ कभी इकट्ठा ही नहीं हुआ था, ऐसे पापों की सजा देने के लिए धर्मराज निमित्त बनता है। बेहद की बात है, एक सेकंड में अनेक जन्मों की पापों की सजा महसूस हो जाती है। एक एक सेकंड ऐसे लगता है जैसे वर्षों बीत गए सजा काटे। वो एक सेकंड लंबा हो जाता है या छोटा महसूस होता है? लंबा हो जाता है। इसलिए गायन है, समय तू जल्दी जल्दी बीत, सुख में तू पल भर नहीं ठहरे, लाख बिताए तुझ पर पहरे, दुख में तू बिल्कुल रुक जाए। ऐसी धर्मराज की सजाएं मिलती हैं कि एक एक सेकंड भारू पड़ जाता है। बाबा गीता पाठशाला में या मधुबन में क्लास करना ही क्लास है, या फिर घर में अकेले मुरली सुनना भी क्लास है? बेचारे पूछने वाले को
अंग्रेजी नहीं आती है। क्लास एक को कहा जाता है या कई बच्चे इकट्ठे होते हैं तो क्लास कहा जाता है, संगठन को ही क्लास कहा जाता है। संगठन में बैठ करके मुरली सुनते हैं वो ही क्लास है, और खास करके बाबा के द्वारा जो निमित्त बने हुए स्थान है वो ही क्लास है, जिनका गायन भक्ति मार्ग में अभी भी है। गीता मंदिर गांव-गांव शहर-शहर में गीता मंदिर बने हुए हैं यादगार, जरूर भगवान बाप ने आकर के उन गीता पाठशालाओं में मिनी मधुबन में क्लास कराया होगा। हाँ, जिस गांव में गीता पाठशाला ना हो उस गांव में क्या? दुनिया में कहीं है? गांव में नहीं है, दूर होगी तब। दूर माने कितनी दूर? 30 किलोमीटर। तो 30 दिन के बाद एक बार आ जाओ। अरे 30 किलोमीटर तो 30 दिन में तो आ सकते हैं कि वो भी नहीं आ सकते? तो वो भी क्लास है, वो भी रेगुलरिटी है। साल में 12 क्लास कर लिया संगठन क्लास तो भी क्लास में माना जाएगा, रेगुलर माना जाएगा, पंक्चुअल माना जाएगा अगर टाइम पर आता है। अगर साल में 12 क्लास पूरे अटेंड किए तो रेगुलर माना जाएगा, और टाइम पर आया है तो पंक्चुअल भी माना जाएगा। टीचर का रिगार्ड उस बच्चे के लिए जरूर रहेगा। और जो सदाशिव है उसकी आत्मा पारसमणि है या हीरो पार्टदारी की आत्मा पारसमणि है? अच्छा, पारसमणि की बात छोड़ दो, हीरो पार्टधारी हीरा है या शिव बाप की आत्मा हीरा है? शिव बाप की आत्मा हीरा है। हीरा सबसे जास्ती कीमती होता है, जितने भी बेस कीमती पत्थर हैं संसार में उनमें हीरा सबसे जास्ती कीमती होता है। तो शिव बाबा की कीमत लगाएंगे है? और जितने भी पत्थर हैं, चाहे हीरा हो, चाहे माणिक हो, चाहे मोती हो, चाहे पन्ना हो, सब पत्थर हैं। पहचानने के बाद उनकी कीमत लगती है। सब पत्थर बुद्धि बनते हैं, जब तक पहचान नहीं है शिव बाबा पत्थर बुद्धि बनता है, है? फिर बाप तो कहते हैं मैं किसी गिनती में नहीं आता हूं, जो गिनती में आए सो चक्कर में भी आए। और बोलो बोलो बाबा, एक आत्मा ज्ञान में चलती थी हमको बहुत याद आती है, अब वह शादी कर रही है तो उसकी शादी में जाना कि नहीं जाना? बताओ भाई, जाना कि नहीं जाना है? क्यों?
है नष्ट मुआ बनना है और दिल लगी हुई हो तो बाबा वार्तालाप में पूछा गया सवाल सब पर लागू होता है या जिसने सवाल पूछा जवाब उसी के ऊपर लागू होता है? है सब पर लागू होता है। सो थोड़े ही बहुत से तो वार्तालाप सुनना ही पसंद नहीं करते तो हम पे कैसे लागू हो जाएगा? प्रश्न पूछना ही पसंद नहीं करते तो उन पर कैसे लागू हो जाए? हाँ ये कह सकते हैं कि एक कैटेगरी की आत्मा कोई एक नहीं होती है, एक कैटेगरी के अनेक हो सकते हैं। तो जिसने जो सवाल पूछा वो सवाल और भी आत्माएं होंगी जरूर जिनकी बुद्धि में वो सवाल कभी चला होगा या आगे भी चल सकता है या अभी भी चलता हो तो उनके लिए ही जवाब लागू होगा। औरों के लिए सामान्य रूप से लागू होगा। और मधुबनी या गीता पाठशाला में जब बाबा क्लास चला रहे हों या कहीं भी बाबा का क्लास चल रहा हो तो आपस में बातचीत करके या इशारेबाजियां करके या मोबाइल पर क्लास में बात करना चाहिए क्या? ऐसा करने से दूसरों का बुद्धियोग नहीं टूटता है? सबका टूटता है क्या? सबका तो नहीं टूटता होगा क्योंकि कोई कोई तो इतने लगाव वाले होते हैं बाबा की वाणी सुनने के लिए कि जैसे स्टेशन पर स्टेशन को छोड़कर के दूसरी स्टेशन पर जाने वाला इतनी भीड़ भाड़ शोरगुल के अंदर स्टेशन का अनाउंसमेंट सुनता है कि गाड़ी अमुक प्लेटफार्म पर आ रही है और इतने टाइम पर आ रही है। अगर नहीं सुनेगा तो गाड़ी निकल जाएगी। तो जो अलर्ट रहते हैं वो ही गाड़ी पर बैठते हैं, नहीं रहते हैं तो गाड़ी चली जाएगी। ऐसे ही यहां है, ये चंद्रकांत वेदांत जहाज है। विषय सागर में जा रहा है। जिन्होंने आधार ले लिया वो तो एकाग्र होकर के रहेंगे और जिन्होंने एक पांव दूसरे जहाज में रखा हुआ है, दूसरी नाव में रखा हुआ है और एक पांव जहाज में रखा हुआ है तो परवाह नहीं करेंगे उतनी। अगर दूसरे पांव में वजन ज्यादा है तो जहाज चला जाए तो चला जाए। हमें तो अपने लगाव झुकाव की बात करनी ही है।
हमें भगवान की बातें सुनने की उतनी दरकार नहीं है, या तो उन्होंने भगवान को पहचाना ही नहीं है। जो रोज मुरली में बोलते रहते हैं, जैसे कुत्ते भौंकते हैं ना, ऐसे भौंकते ही रहते हैं भगवान। क्या क्या बोलते हैं? मैं जो हूं, जैसा हूं और जिस रूप में पाठ बजाता हूं, तो धर्मराज का रूप किसी ने देखा ही नहीं है। मैं राजाओं का राजा महाराजा बनाने वाला हूं। छोटे छोटे राजाओं के सामने जाने में थर 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 कांपते हैं। अब देखो, राजाओं का राजा महाराजा बनाने वाला बाप आया हुआ है तो उसका कितना डिसरिगार्ड करते हैं, दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं, खुद तो डिस्टर्ब है ही, अनिश्चय बुद्धि है ही, बेपरवाह हैं, उन्हें धर्मराज का भी डर नहीं है कि हम कहां बैठ करके क्या गलती कर रहे हैं। बाबा का क्लास खत्म होने के बाद क्या गीता पाठशालाओं में आपस में ज्ञान का लेन देन या ज्ञान की चर्चा या प्रश्नोत्तर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मुरली में ज्ञान का लेन देन करने के लिए बोला या नहीं बोला है? ज्ञान का लेन देन करने के लिए मना नहीं है। आज बाबा ने क्या बोला, याद है या नहीं याद है? क्या पॉइंट याद रहे, क्या भूल गए? इतना तक तो ठीक। लेकिन फिर ज्ञान की चर्चा विचारणा करना, जो चर्चा करने वालों का यादगार भी बना हुआ है दुनिया में, मालूम है कौन सा यादगार बना हुआ है? चर्च बना हुआ है। जो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं वो भगवान की बातों पर भी चर्चा जरूर करेंगे, उन बातों का भी विश्लेषण जरूर करेंगे, क्या सच्चा है क्या झूठा हो सकता है, कहां से वो सच्चाई निकली, कितना दम है, वो सारी बातों पर चर्चा करेंगे, हिस्ट्री निकालेंगे पीछे की। उनकी यादगार बन गई चर्चा, चर्चा करने का स्थान, कॉन्फ्रेंस जरूर करेंगे। कोई भी कमजोरी की बात दूसरे के कान में फुर्र करके रख देंगे, दूसरा तीसरे को कहेगा, तीसरा चौथे को कहेगा, नई नई बातें, नया नया क्लैरिफिकेशन निकालते ही रहेंगे। प्रश्न भी करते रहेंगे और एक दूसरे से उत्तर भी लेते रहेंगे, परंतु उन प्रश्नों और उत्तरों और उन कॉन्फ्रेंस की बातों को वेरीफाई कौन करेगा?
दुनिया में इतनी कॉन्फ्रेंसेस होती आई, अपनी अपनी बोल करके चले जाते हैं, अपनी अपनी बात कह करके चले जाते हैं, फाइनल क्या होता है? वेरिफिकेशन कोई करता है? आखिरीन क्या रिजल्ट आना चाहिए वो तो पता ही नहीं चलता। जब पता ही नहीं चलता तो उसे वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी और एनर्जी कहेंगे या नहीं कहेंगे? है? कहेंगे।